जलेबी, लड्डू, रसमलाई, इस तरीके के नाम अगर लॉकडाउन में लिए जाएं तो लोगों को मुंह में पानी पहले से ज़्यादा कहीं आता है, क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो मिठाई की दुकानें हैं वो लगभग बंद कर दी गई हैं। कुछ पे होम डिलीवरी की सेवा दी गई है, परंतु अब इस चौथे लॉकडाउन में जो अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश में जो है, उसमें 12 बजे से लेकर 5 बजे तक दो जो प्रतिबंधित दुकानें हैं उनको छोड़ करके, यानी कि उसमें मिठाई की दुकानें भी हैं, उनको 12 से 5 के बीच खोलने की प्रशासन ने अनुमति दी। तो उन दुकानों में साफ़ सफाई होने लगी, उन दुकानों में ग्राहक आने लगे और फिर से उन मिठाइयों का जायका लेने के लिए लोग तैयार हो गए। तो आइए हम ले चलते हैं अलीगढ़ के तीन जाने माने जो मिठाई के ब्रांड हैं, आइए पूछते हैं लॉकडाउन शुरू होने से पहले, उसके बाद और आज लॉकडाउन 4 में मिठाई की दुकान खुलने के बाद उनके अनुभव। ये जो 2 महीने बाद आज जो चौथे चरण का लॉकडाउन है उसमें अलीगढ़ में 12 बजे से 5 बजे तक जो छूट दी गई है, खासकर जो मिठाई की दुकान है और भी कई दुकान है जो प्रतिबंधित नहीं है, तो जो ये 2 महीने का समय बीता जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब बंद हुए थे, तब से आज तक का और आज का जो फीलिंग है आपकी वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, सरकार ने जो ज़रूरतमंद कदम थे वो उठाए और परेशानी तो हुई। ऐसा नहीं है अचानक से एकदम से व्यापार बंद हो जाना और सारी परिस्थितियाँ एकदम से घर में लकैद हो जाना, उससे काफ़ी आर्थिक संकट आए और काफ़ी तो हम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी। पर 2 महीने बाद जो सरकार ने हमें ये राहत दी है, भले 5 घंटे की क्यों ना दी हो, जी जी पर वो राहत मिली है। इससे हमें उम्मीद है कि आगे ये राहत और बढ़ेगी, कम नहीं हो रही। और लोगों से अनुरोध यही करता हूँ कि सरकार के जो नियम कायदे हैं वो फॉलो करें और सरकार की इसी में सहायता करें, जिससे कि किसी को कोई प्रकार की संकट ना हो। तो आज जैसे खोला गया है तो इस समय तो जो शोरूम है उसकी साफ सफाई चल रही होगी। जी, इसका शोरूम खोलने से पहले पहले हमने बंद शोरूम में भी पहले सैनिटाइज करने की कोशिश की है, हाँ और उसके बाद भी अभी भी आप देख रहे हैं कि सफाई साफ साफ चल रही है, जी, और सफाई करके पूरी तरीके से सैनिटाइज करके हम लोग खुद इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि सरकार ने जो नियम कानून बनाए हैं खोलने के लिए, उसको हम पूरी तरीके से फॉलो करें। अच्छा, जैसे कि जब ये बंद रहा होगा शोरूम तो कई तरीके का नुकसान भी हुआ होगा, क्योंकि मिठाइयाँ का और हाँ भी जी, कई चीज़ों को कैसे। काफ़ी नुकसान हुआ है, लगभग नुकसान हुआ है इसमें, अचानक से एकदम बंद हो जाने का, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कच्चा मिठाइयों माल का है, मिठाइयों का जी है, और मिठाइयों को हम संभाल के नहीं रख सकते हैं, उनकी वैलिडिटी कुछ 2-3 दिन की होती है, जी तो जी जी हमारा अधिकतर सारा माल खराब हो गया, जैसे हमने पहनना पड़ा और उसका हम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो जी तो काफ़ी हमें नुकसान हुआ उस समय। इस समय तो जो मिठाइयाँ तैयार की जा रही होंगी वो वह की जा रही होंगी जो कि ज़रूरी है और यूजेबल है। इस समय हम वो मिठाइयाँ बना रहे हैं जो पक्की घरेलू मिठाइयाँ बनती हैं, जिसमें जो कोई भी कच्चा माल नहीं यूज़ कर रहे हैं, कोई दूध की मिठाइयाँ नहीं बना रहे हैं, ऐसी मिठाइयाँ बना रहे हैं जो देखिए घर में भी हम वो लोग बना सकते हैं। नहीं जी, आज जो मिठाई बनाई गई है, तैयार की गई है इतने समय बाद, तो वो कौन कौन सी है ये बेसन के लड्डू मिल जाएंगे सर, और क्या क्या है ये, और काजू बाइट्स, स्ट्रॉबेरी बाइट्स, चॉकलेट बाइट्स, हाँ और गोंद के लड्डू, अच्छा और मैंगो बाइट्स, अच्छा गोंद के लड्डू। अच्छा
हमने वैसे तो 7 तारीख से अपना होम डिलीवरी चालू कर दी थी, जी जी पहले से प्रोडक्शन भी चालू कर दिया था, जी। और उसके बाद आज हमने खोली है। अब साफ सफाई करके हम लोगों ने चालू किया है, जी। अब क्या रहता है पता लगे, देखते हैं। अच्छा, जिस समय जैसे ये बंद हुई होगी, जिस समय लॉकडाउन शुरू हाँ हुआ था, उसके बाद कई मिठाइयों का नुकसान भी हुआ होगा कि ख़राब हुई जी, हो या कुछ। बिल्कुल अच्छा, और जो मज़दूर हैं बहुत से चले भी गए होंगे उस दौरान, जी, बिल्कुल तो आप बुलाए गए हैं फिर कैसे? बुलाया है। जो अभी आसपास के हैं उनको पहले खबर करी है, जो दूर दराज के हैं वो उसके बाद अभी आएंगे, और अभी तो हमारे पास लोकल का स्टाफ भी पूरा है, और थोड़ा बहुत हमने बाहर के स्टाफ को भी बुलाया है, अभी धीमे धीमे करके ही बाकी स्टाफ को बुलाएंगे। अच्छा, जो आज जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर भी तो कार्य किया गया होगा। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल किया गया है तो जो जैसे आ रहे हैं कस्टमर जी। तो उनको पूरी तरीके से हैंड वॉश करा के या सैनिटाइज करा करके? नहीं देखिए, हैंड वॉश तो नहीं करा रहे हैं अभी हम, अच्छा अभी हमने ये डिस्टेंस बनाया है कि जिससे कस्टमर इसकी रेखा को पार ना करे, जी, इसका यूज़ करे, इसको जी। दूरी बनाए रखें जिससे कि, बाकी हम किसी भी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं दे रहे हैं जी। कस्टमर को। दो महीने बाद लगभग लॉकडाउन 4 में जो छूट दी गई है स्वीट्स की दुकान में 12 से 5 तक अलीगढ़ में, तो जो 2 महीने का समय रहा जिसमें लगभग बंद रही स्वीट की दुकान, और उससे पहले जब बंद हुई थी तब और आज खुल रही है, तब का आपको क्या अनुभव है? देखिए, अनुभव सभी व्यापारियों का मिलजुल कर एक ही है, सबको व्यापारिक नुकसान हुआ। परंतु हमें कुछ समय पहले होम डिलीवरी की परमिशन दी गई थी, जी, प्रशासन की सराहना करूंगा इस कदम के लिए, हमें होम डिलीवरी की, हमने सभी मानक पूरे करके होम डिलीवरी का कार्य शुरू किया, जी। उससे हमने कुछ काम करना शुरू किया। उसके बाद इस बार अब जो 12 से 5 का निर्णय लिया गया है, ये बेहद महत्वपूर्ण था और सभी व्यापारी भाइयों के हितों में है। जी हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले कुछ नहीं था, एक कहावत है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जी। इसलिए अब शुरुआत कर रहे हैं व्यापार की, देखते हैं आगे कैसा होता। तो आपने लगभग अब दोबारा जैसे शुरुआत की, आज तो सभी मिठाइयाँ बनाई हैं या कुछ जरूरी? कुछ वैरायटीज़ बनाई हैं, अब कस्टमर का देखते हुए, फ्लो देखते हुए, कस्टमर की डिमांड देखते हुए सभी वैरायटी पूरी की जाएंगी। अभी कुछ वैरायटियाँ बनाई हैं जो कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, लोगों को पसंद आती हैं, उन वैरायटीज़ को अभी शुरुआत की। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के दौरान ये बंद रही दुकान है, जी हाँ, तो मजदूरों को जो बनाते हैं मिठाइयाँ वो, तो उनको भेज दिया गया था, फिर उन्हें बुलाया गया या रोका ही गया था? हमारे सारे कारीगर श्रमिक जितने हैं सब अलीगढ़ के लोकल हैं, जी, इसलिए सभी हमारे संपर्क में थे, अपने उनकी मंथली सैलरी वगैरह सब हमने उन्हें समय पर दी, जिससे उनके घर परिवारों के समय पर कोई दिक्कत ना आए, किसी तरीके की उन्हें व्यवस्था ना हो। अब हमने उन्हें दोबारा बुला लिया है, जैसे कि प्रशासन का सहयोग से अब हम उन्हें दोबारा कर रहे हैं, सारे मानक पूरे कर रहे हैं, सबको सैनिटाइज करा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सभी वर्करों को मास्क और ग्लव्स पहनाए गए हैं, इन सभी मानकों को पूरा करते हुए कार्य को शुरू किया।